अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको व्हाट्सएप जीपी इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करते हैं ये करना सिखाऊंगा। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हैं। यहाँ पे हम अपने मोबाइल की कुछ इस तरह सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा कि व्हाट्सएप जीपी एक ऐसी व्हाट्सएप है जिसमें हम अपने किसी भी फ्रेंड के उस मैसेज को, उस वीडियो को, उस स्नैप को देख सकते हैं जो उसकी तरफ से डिलीट हो गई हो। यानी कि वन साइडेड से अगर पिक्चर या कोई चीज़ भेजी गई, मैसेज अगर वो डिलीट हो जाए तो सेकेंडली आप उसे इजीली अपने उसी चैट में स्टिल देख सकते हैं जब तक कि आप उसे खुद डिलीट ना करें। और आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ये व्हाट्सएप जीबी जो ऐप है ये इस टाइम बहुत कम लोग इसके रिलेटेड जानते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्ले स्टोर मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चलो कि ये व्हाट्सएप जीबी जो ऐप है ये हमें प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, इसे हम लोकल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो जी चलते हैं इसे डाउनलोड करने की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ से क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो जी व्यूअर्स, क्रोम हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप जीबी, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जीबी पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास निकला है, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में मौजूद है जीबी व्हाट्सएप एपीके डाउनलोड एंटी बैन जनवरी 2023 ऑफिशियल। इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आपने क्लिक करने के बाद सिंपली जो फर्स्ट आपके पास लिंक में डाउनलोड का ऑप्शन आया है वहाँ पे आपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वेरीफाइड है और ऑफिशियली भी सर्टिफाइड है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर रहे डाउनलोड के ऑप्शन को स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम इसकी जो है ना देख सकते हैं कि कितनी इसकी जो है ना डाउनलोडिंग किस हिसाब से डाउनलोड हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट्सएप जीबी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी लोकल वेबसाइट पे अवेलेबल होने की वजह से प्ले स्टोर में ये ऐप आपको इजीली नहीं मिलेगी। वहाँ से आप नॉर्मल व्हाट्सएप जो है वो सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेबल है, अगर तो आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, न्यू यूज़र हैं, तो आप इसे इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके इंशाल्लाह हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।